आज हम बात करेंगे nginx का रिवर्स प्रॉक्सी और उसके कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, जो सर्वर टोकन है उसको कैसे रिमूव करना होता है, फिर से है आप अपना कस्टम सर्वर नेम कैसे हेडर में पास कर सकते हैं, और थर्ड है रिवर्स प्रॉक्सी कैसे हम चला सकते हैं। जैसे कि मेरा एप्लीकेशन अपाचे सर्वर पर रन हो रहा है और हम नहीं चाहते कि वो बाहर एक्सपोज हो, तो हम एक रिवर्स प्रॉक्सी यानी मिडिल वेयर के थ्रू हम कैसे उस वेब एप्लीकेशन को सर्व करा सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक इंस्टेंस सेटअप कर चुका हूँ, जिसका एलाइज नेम मैंने सेट किया है nginx डिवाइस, और उसका पब्लिक आईपी ये है जो अभी बंद पड़ा है, कहीं लिसन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं उसको एक्सेस करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करते हैं। तो यहाँ मैं अभी उस डिवाइस को एक्सेस करने जा रहा हूँ, एडिंग फिंगरप्रिंट, और मैं डिवाइस के अंदर आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे nginx को इंस्टॉल करूंगा विद सिंपल कमांड sudo apt install nginx एंड पासिंग यस। इंस्टॉल स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे फेच कर रहा है और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अभी चेक कर लेता हूँ कि सर्विस nginx का रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रनिंग स्टेटस में है, एक्टिव है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये सर्व कर रहा है, वेलकम टू nginx। अभी हम देखते हैं कि इसके हेडर्स में क्या क्या आ रहे हैं। तो हेडर्स में जब इसके हम देखेंगे तो नेटवर्क सेक्शन पे जाना है, इंस्पेक्ट मोड ऑन करके इस रिक्वेस्ट को खोलना है, एक प्रीव्यू है, हेडर्स में जाना है। तो हेडर्स में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हेडर में यहाँ पे आ रहा है सर्वर नेम nginx है, एक टूल है वेब एप्लाइजर। तो यहाँ पे बोलता है कि वेब सर्वर nginx का वर्सन है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज हो रहा है। तो इस यहाँ से एक क्लू मिलता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है और उसके पीछे क्या है। जैसे कि आप वेब एप्लीकेशन जब सर्व करेंगे तो जो रिक्वायर्ड चीज है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होते जाएगा, टेक्नोलॉजी वाइज यहाँ लिस्ट आउट होते जाएगा। तो अभी हम कवर करेंगे फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू रिमूव सर्वर सिग्नेचर फ्रॉम nginx। तो हम अभी सर्वर सिग्नेचर मेरा क्या है कि उस सर्वर सिग्नेचर पास किया जा रहा है जो यहाँ रेस्पॉन्स हेडर में आ रहा है, ए है सर्वर सिग्नेचर, दिस इज सर्वर सिग्नेचर। तो यहाँ सर्वर सिग्नेचर में आ रहा है nginx 1.1.4 समथिंग, ये मेरा सर्वर सिग्नेचर आया। तो अभी इस चीज को हमको रिमूव करना है, एटलीस्ट ये इतना रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nginx का जो सर्विंग फाइल है साइट्स available में जो फाइल है उसको हम एडिट करेंगे। वी अवेलेबल देख लेते हैं क्या है, viml अवेलेबल है, nginx साइट्स अवेलेबल, साइट्स अवेलेबल मतलब कि ये साइट्स अवेलेबल है इतना, और एक है साइट्स इनेबल्ड। यहाँ पे साइट्स इनेबल्ड जो अभी साइट्स जो ये सर्व कर रहा है वो साइट्स इनेबल्ड के कॉन्फिग से सर्व कर रहा है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है, सॉफ्ट लिंक बना हुआ है जो एक्चुअल फाइल आपका अवेलेबल के अंदर, एक्चुअल फाइल अवेलेबल के अंदर में है और साइट्स इनेबल्ड में उसका एक सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है, सॉफ्ट लिंक बना हुआ है। तो हम अवेलेबल को अवेलेबल साइट में जो सर्विंग कॉन्फिग है उसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, पोर्ट 80 पे, और SSL कॉन्फ़िगरेशन बंद है, और यहाँ लोकेशन एक पास किया गया है, सर्वर बाय डिफॉल्ट एक अंडरस्कोर सर्वर रन हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्वर टोकन ऑफ है, अभी मेरा बाय डिफॉल्ट सर्वर टोकन ऑन है, तो मैं उस सर्वर टोकन को ऑफ कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। और ऑफ करने के बाद इसको WQ एक्सक्लेमेशन सिंबल से एग्जिट हो जाऊंगा वहां पे, राइटिंग एंड क्विट। अब हम nginx को स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करने पे रीस्टार्ट हो गए, अभी यहाँ पे इस सेम चीज को रिफ्रेश किया जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि सर्वर सिग्नेचर जो था वो हट चुका है,
अभी भी ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ अगर इसको हम इसका कैसे क्लियर कर दें तो आप देखेंगे यहाँ केवल nginx ही डिटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि किस सर्वर पे रन हो रहा है, क्या उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हाइड हो चुका है। तो अभी हम चाहते हैं कि ये जो nginx है जो ये डिटेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है तो इस सर्वर नेम को भी हम समथिंग चेंज कर लें। सपोज कि हम सर्वर नेम चेंज करके इस तरह से कर दें फनाटिकस कस्टम सर्वर समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए हमें nginx का ये बेसिक इंस्टॉल्ड है, nginx का जो वर्सन इंस्टॉल्ड है बेसिक वर्सन है nginx ओनली। लेकिन इसके लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा थिंग। तो यहाँ पे एक लिंक है, मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा, वेल डिस्क्रिप्टेड है ये लिंक, वेल डिस्क्रिप्टेड है, आस्कबंतु पे है। तो यहाँ पे nginx के डिफरेंट फ्लेवर्स और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, यहाँ पे आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स nginx कोर जो आप देख रहे हैं वो nginx कोर है, nginx बेसिक जो इंस्टॉल्ड है। उसमें एक और वर्सन है nginx फुल, nginx लाइट एंड nginx एक्स्ट्रास। तो ये चार फ्लेवर्स हैं जो फ्री अवेलेबल है। इसके बाद आता है nginx प्लस, जो पेड वर्सन है, वो पेड वर्सन है, उसके चार्जेस लेते हैं। लेकिन ये चार जो है ये ओपन सोर्स एंड फ्री अवेलेबल है। रीजन से nginx एक्स्ट्रा में काफी ज्यादा फीचर्स है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कुछ जगह पे ब्लैंक भी है, लेकिन nginx एक्स्ट्रा में पूरे इनेबल्ड फीचर है। सर्वर टोकन जो ऑफ किया गया है, इसके दो फ्लैग होते हैं, एक होता है ऑफ और एक होता है ऑन। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका वैल्यू होता है ऑन, बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लिसिटली उसको हाइड करें तो आपको ऑफ फ्लैग सेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम ये हाइड करके रख रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऑन करिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर इस पूरे को रिमूव कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑन है। और यहाँ पे इस चीज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से वो बैक हो गया, रिवर्ट हो गया। अभी इंस्टॉल करेंगे nginx एक्स्ट्रास। आपने देखा कि यहाँ पे चला होगा रिमूविंग nginx कोर, जो बेसिक था, जो nginx कोर था उसको रिमूव किया गया और न्यू फीचर के साथ ये ला दिया गया। कॉन्फ़िग था, जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन था वो मेरा चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही कि वैसे ही रहेगा। कभी कभी होता है कि हम मैसेज को चेंज करने जा रहे हैं, एक्स्ट्राज को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और मेरा प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे nginx साइट्स अवेलेबल या साइट्स इनेबल्ड में जो हम फाइल रखे हुए हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन रखा हुआ है उसको ओवरराइड कर देगा, और या मेरा nginx जो कॉन्फिग है उसको रिमूव कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रिमूव नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट वैसे जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। देख सकते हैं कि सर्वर नेम nginx शो कर रहा है, वेबलाइजर के डेटा को भी क्लियर कर दिए हैं। अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो एक हम यूज करेंगे nginx एक्स्ट्रा, एक देता है ऑप्शन मोर सेट हेडर्स, जो प्रीवियस ऑलरेडी जो इंक्लूडेड हेडर्स हैं, जो nginx के डिफॉल्ट हेडर हैं उसको ओवरराइड करने के लिए। तो हम nginx config फाइल में इस चीज को रखेंगे, nginx config फाइल में। config फाइल में हम कहीं भी अगर इस चीज को रख देते हैं जो http के अंदर रहेगा तो मेरा काम हो गया। अब यहां से इसको एग्जिट होना है, nginx रीस्टार्ट करना है, nginx रीस्टार्ट हो गया। और लेट्स सी, और आप देख सकते हैं सर्वर नेम यहाँ पे चेंज हो गया, Fanaticus कस्टम सर्वर ये रिमूव हो गया। अभी हम इस पे आते हैं तो ये डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि सर्वर कौन सा है, आइदर nginx है, अपाचे है या क्या है, ये डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वेब एप्लाइजर या इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है बैक एंड साइड में क्या रन हो रहा है उसको ट्रिगर करने के लिए, उससे डेटा गेट करने के लिए आइदर ये प्रोसेस करते हैं रेस्पॉन्स हेडर्स को, या प्रोसेस करते हैं आपका जो HTML रिटर्न आता है उसके, उसमें लिंक REL जो होते हैं उन सबके वैल्यूज को, क्या है, बूटस्ट्रैप है,
कौन सा वर्सन ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ये सब कौन सा वर्सन ऑफ जेक्वेरी है, ये सब रीड करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्नोलॉजी डिटेक्ट है, नो टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड, और ये कंपेरिजन दिए हैं, और इसका जो मेन कंपेरिजन है वो आपको मिलेगा इस URL पे, जो nginx का रूट रिप्रोजेक्टरी है वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके डिटेल्ड व्यू एंड डिटेल्ड कंटेंट यहां पे आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल रिवर्स प्रॉक्सी क्रिएट करने का, तो सबसे पहले मैं अपाचे इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये अपाचे को इंस्टॉल कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं nginx को मैंने बंद नहीं किया था और ये यहां पे अपाचे फेल टू स्टार्ट हो गया कि पोर्ट 80 पे ऑलरेडी लिसन कर रहा है। यहाँ पे मैसेज बॉक्स आया है एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, तो पोर्ट 80 पे ऑलरेडी कुछ चल रहा है, तो मैं इसका पोर्ट चेंज कर दूंगा। वर्ल्ड में यहाँ पे डिफॉल्ट जो यहाँ पे लिसन कर रहा है वर्चुअल होस्ट, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 8080, ठीक हो जाता हूँ। पोर्ट्स कॉन्फ़िग के अंदर में यहाँ पे 8080 पे लिसन कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट कर रहा है, तो इसको मैं चेंज करके 8080 कर दिया, केवल 127 पे रन करे, 127 पे ही रन करे। तो अभी आप देख सकते हैं 562 स्टार्ट, अरे स्टार्ट हो गया है, नहीं कर रहा है, तो मैं कर्ल कर रहा हूँ 8080 को, 8080 को कर्ल करूंगा तो ये मुझे मिल गया। अभी ये कंटेंट मिल गया जहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और उबंटू समथिंग करके जो डिफॉल्ट पेज आता है वो आ चुका है। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि अभी मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रहा है 8080 पे, तो अभी हम ट्राई करेंगे कि बाहर इस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पोर्ट 80 पे अगर रन हो रहा है। बाहर आकर अगर हम इसी चीज को 8080 पे रन करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे भी प्रॉक्सी पास लगाने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे लोकेशन है लोकेशन के अंदर में बह गया, रूट URL मेरा ये था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि सर्च करेगा पहले रूट डायरेक्टरी को, अगर यहाँ पे रहेगा तो कभी जाएगा ही नहीं आगे, बाकी हम कमेंट कर देते हैं सर्वर रहेगा, ट्राई URI 404 वो भी रहेगा, और मैं बस एक लाइन यहाँ पे नीचे ऐड करूंगा जो मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ पोर्ट 8080। दो लाइन और आ गए हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो दो लाइन क्या हैं। और यहाँ पे कॉलम देने के बाद एग्जिट हो जाऊंगा, सुडो ये स्टार्ट किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम आईपी पे ऑलरेडी ये कंटेंट सर्व होने लगा है। तो ये है अपाचे 2.12 डिफॉल्ट पेज का होस्ट पास करते हैं कि जब क्या होता है रिवर्स प्रॉक्सी में, जब कोई रिक्वेस्ट आता है तो जब एक्चुअल सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचता है, जैसे मेरा एक्चुअल सर्वर जहां से एप्लीकेशन सर्व किया जा रहा है, तो अगर पोर्ट 8080 पे रन हो रहा हो तो जब इसके पास वो रिक्वेस्ट पहुंचेगा तो उस टाइम तक इस रिवर्स प्रॉक्सी पे आया तो ये कुछ हेडर मॉडिफिकेशन करेगा, तो उस मॉडिफिकेशन में अगर ये चेंज हो जाता है, एक्चुअल होस्ट चेंज हो जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट होस्ट में जा रहा है, रिक्वेस्ट हेडर में अगर जा रहा है, अगर ये मॉडिफाई हो जाता है, समथिंग हो जाता है, सर्वर जहाँ पे चल रहा है और जो एप्लीकेशन में कुछ कंटेंट है, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो होस्ट पे डिपेंड करते हो, तो उस केस में वहां पे फेल हो जाएगा एप्लीकेशन। तो इसलिए हम यूज करते हैं प्रॉक्सी सेट हेडर्स, प्रॉक्सी सेट हेडर्स आईपी है, जिस आईपी से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको भी हम एप्लीकेशन सर्वर को पास करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से प्रॉक्सी सेट हेडर एक्स रियल आईपी रिमोट एडर मारेंगे। रिमोट एडर ये क्या करेगा कि जो क्लाइंट आईपी है जहां से रिक्वेस्ट आ रहा है ये फॉरवर्ड कर देगा, वैसे ही बाइंड रखेगा जो हेडर्स के अंदर बाइंड रखेगा। फिर ये स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ माइनर फॉल्ट रहा होगा, तो इस जर्नल में कुछ राइट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे एक आई टाइप हो गया है डिफॉल्ट के अंदर 55 नंबर लाइन पे, तो 55 नंबर लाइन पे आई वहां पे एक टाइप हो गया है जस्ट आफ्टर द होस्ट
हेडर क्वेरी। तो यहाँ पे कुछ और बाकी नहीं था, ये हो गया आपका रिवर्स प्रॉक्सी। जो एप्लीकेशन चल रहा है वो दूसरे जगह पे चल रहा है और मैं उस चीज को सर्व कर रहा हूँ एनजीएनएक्स के थ्रू, क्योंकि जो